यति नतनारायण सरस्वती जो भी तेरा नाम वाला नाम है तेरा समझ में नहीं आता है तो सुन बेटा, तू इस्लाम खत्म कर देगा। अबे तू गाजियाबाद से तू केवल चार आज तक कितने मुसलमानों को मारा है बेटा तूने, और तेरे साथ जितने ये चेले चपाटे घूमते उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज तक कितने मुसलमानों का तुमने उखाड़ लिया है बताओ, आज तक कितने मुसलमानों का तुमने ना करा लिया है बताओ, उनका कुछ उखाड़ ना पाए और चले हो देश से इस्लाम खत्म करने, विश्व से इस्लाम खत्म करने, उनके जीवन का मकसद हो गया है। ये बकवास सुन के ना कुछ वो हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटते हैं ना वो खुश होते होंगे। ये चाहता हूँ जो सोचते हैं कि हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं और हम आपस में लड़ सकते हैं, वो समय चला गया जब हिंदू थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ पड़ते थे। बच्चे हैं, शेर हैं, लड़ते हुए अच्छे लगते हैं मुझे अपने बच्चे, जब ये आपस में लड़ते अच्छे लगते हैं, कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान इस्लाम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु हो गई है जिसके वजह से पूरा राजनीति उसके आसपास घूमता है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि अगर ये इस्लाम और मुसलमान भारत में ना होता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बेचारे भिखमंगे तो भूखे मर गए होते। आजकल जिसको देखो मोबाइल उठाता है और इस्लाम को खत्म करने की बातें करता है। एक भड़वा अभी ताजा ताजा पैदा हुआ है जो अपने आप को हिंदू मंदिर का महंत कहता है, लेकिन उसकी वास्तविकता आज मैं आपको बताता हूँ। और एक खास तोहफा उसके लिए मैंने बनाया है जिसकी घोषणा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, तो कृपया पूरी वीडियो जरूर देखें और उन भड़वों तक, खास तौर पे गाजियाबाद के उन भड़वों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि उनका बाप विनय दुबे अब उस भड़वे को दीपक त्यागी, अरे दीपक त्यागी तो आप जानते नहीं होंगे, उसका जो असली नाम आप जानते हैं वो है यति सरस्वती, वो जो भी नंद है, तो उसको हम उठा के अब लाने वाले हैं, क्योंकि आज उसको एक तोहफा मैंने भेजा है। आशा करता हूँ बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो दीपक त्यागी जो अपने आप को यति नरसिंहानंद सरस्वती बतलाता है, ये वही दीपक त्यागी है जिसके घर के अंदर उसके दादा उसके बाप कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। आज जिस कांग्रेस को ये पानी पी पी कर गाली देता है, उसी कांग्रेस के पैसे से इस भड़वे ने विदेश जाकर पढ़ाई की, विदेशों में अय्याशियां की, और वापस आने के बाद जब कुछ कर ना पाया, सोचिए इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद ये भिखमंगा हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर महंत बनकर उन्हें लूटता है। लूटता कैसे है सोचिए, पूरी जिंदगी इसके घर पर ये जो निवाला खाता था वो कांग्रेस का था, क्योंकि इसके दादा इसके बाप कांग्रेस की कमेटी में पदाधिकारी थे, और आज यही भड़वा उसी कांग्रेस को गाली देता है जिसकी पूरी जिंदगी इसने रोटी खाई है। यहाँ तक तो ठीक था, ये खुद भी समाजवादी पार्टी के कोई पद पर रह के अपने गाजियाबाद में त्यागी समाज को एकजुट करता था, और उसने देखा कि ये सब करके कुछ होने वाला नहीं है। इसकी औकात भले ही ये विदेश में पढ़ा था, लेकिन इसकी औकात एक साधारण सी नौकरी करने की नहीं थी, तो इसे समझ में आया कि देश में अब हिंदुत्व का नारा चल रहा है तो चलियो हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाया जाए। अगर कोई कुत्ता सड़क पर, खुजली वाला कोई कुत्ता, सड़ा हुआ कोई कुत्ता मुसलमान की तरफ मुंह करके भौंक भी दे, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंडभक्त हैं और सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू के ठेकेदार समझते हैं, ये उस कुत्ते को अपना बाप घोषित कर देंगे, उसका डीएम ऑफिस में जाके सर्टिफिकेट बना लेंगे कि ये जो कुत्ता है इसने मुसलमान को भौंका है, आज से यही मेरा बाप है। ये ले जाके अपनी माँ से मिला देंगे कि मम्मा ये देखो हमारे नए बाप आए हैं, इसका स्वागत किया जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, वालों का कोई जात धर्म और दीन धर्म नहीं होता है, जो भी मुसलमानों को गाली दे देगा ये उसे अपने कंधे पे बिठा के अपना बाप बना के घोषित करके पूरा ब्रह्मांड घूमेंगे। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली दंगा कराने वाले कपिल मिश्रा इनके बाप हुआ करते थे, आज ये दीपक त्यागी नाम का नया भड़वा जो आया है वो इनका बाप बन के घूमे पड़ा है। यति नतनारायण सरस्वती जो भी तेरा नाम वाला नाम है तेरा समझ में नहीं आता है तो सुन बेटा, तू इस्लाम खत्म कर देगा। अबे तू गाजियाबाद से तू केवल चार आज तक कितने मुसलमानों को मारा है बेटा तूने, और तेरे साथ जितने ये चेले चपाटे घूमते उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज तक कितने मुसलमानों का तुमने उखाड़ लिया है बताओ, आज तक कितने मुसलमानों का तुमने ना करा लिया है बताओ,
उनका कुछ उखाड़ ना पाए और चले हो देश से इस्लाम खत्म करने, विश्व से इस्लाम खत्म करने उनके जीवन का मकसद हो गया है। ये बकवास सुन के ना कुछ वो हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटते हैं ना वो खुश होते होंगे। ये भारत का नागरिक खुश नहीं होता ये चीजों को, क्योंकि बचपन से ये देश की आत्मा जो रही है वो सेक्युलरिज्म रही है, धर्म निरपेक्षता रही है, पंथ निरपेक्षता रही है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं और भाई भाई हैं। तुम चाहे जितना भोग ले तुम्हारा हश्र जो है ना वही होने वाला है जो एक पागल कुत्ते का होता है, उसको उठा के पिंजरे में डालेंगे और वहां तू भोगते रहे दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी सबसे गजब की चीज बताना चाहता हूँ, ये दीपक त्यागी के ऊपर राष्ट्रीय कानून सुरक्षा कानून की मांग हमने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट से की है, मुंबई उच्च न्यायालय से की है और उसपे बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। पूरे देश में इसके ऊपर FIR हुए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के लिए ये अग्नि का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे बचाएगी ही, लेकिन संविधान अब वहां से तू ना बच पाएगा बेटा। और तेरे जितने चेले चपाटे हैं ना जो कहते हैं खून की नदियां बहा देंगे, तो हमें अब देखना है तुम्हारी औकात कि कितनी खून की नदियां बहेगी जब इस बाबा को दीपक त्यागी का उनका जो कॉलर पकड़कर घसीटते हुए जेल में डाला जाएगा। हम देखना चाहते हैं कितनी खून की नदियां तुम बहाओगे, तुम्हारी है औकात है, संविधान से बड़े हो तुम, कानून से बड़े हो तुम। और उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो इनको संरक्षण देते हैं कि आपने अपने बाप की बपौती समझ रखा है देश को, ये देश चलेगा संविधान से, किसी के बाप की औकात नहीं है इस यतिनंद भड़वा दीपक त्यागी को जेल में डालने से रोक सके। और अब इसके ऊपर रासुका लगाया जाएगा वो भी महाराष्ट्र में, हमने याचिका दाखिल की है और हमने आज तक जितनी भी याचिकाएं दाखिल की है वो सारी की सारी सफल रही है। बहुत जल्द इस भड़वे को घसीटते हुए महाराष्ट्र लाया जाएगा और इसे धर्म निरपेक्षता का वो मोहब्बत करने का पाठ सिखाया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी ये सुधरा नहीं तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पिछवाड़े झाड़ू डालकर ना मोर बना के नाचाया जाता है मोर। और अब इस बाबा का नंबर है, ये जो ढोंगी बाबा है ना ये ठीक वैसा ही है, तो अब तेरा नंबर आ गया है बेटा। खूबसूरत से जितना दिन खा पी सकता है खा ले, संवैधानिक तरीके से ना तुझे गाली देंगे ना तुझे मारेंगे ना तुझे कुछ ना करेंगे, संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अंदर तेरा कॉलर घसीटते हुए तुझे जेल में डालेंगे, उसके बाद तेरा इंतजार करेंगे कौन तेरा बाप तेरे को बचा सकता है। हमको भी अब देखना है भड़वे, तू इस्लाम खत्म करेगा, तू देश की एकता अखंडता को खत्म करेगा, तेरा बाप ना कर पाए तेरा दादा ना कर पाए तू कर पाएगा? चल कर ले उखाड़ ले, तेरे को मौका देते हैं, तुझे घसीट के मुंबई लाया जाएगा, तुझे बल भर पेला जाएगा, यहाँ पे पिछवाड़े झाड़ू डाल के तेरे को मोर ना बनाया, ये महाराष्ट्र की भूमि नहीं है। इंतजार कर बस कुछ दिन और है बेटा, भौंक ले जितना भौंकना है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि न्यायपालिका का जो इस तरह के प्रावधान उन्होंने रखा है, इस तरह के पागल कुत्तों को जेल में डालने के लिए जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो हमारे हाथों में दी है।